दूर किसी जंगल में एक कौवा और कौवी रहते थे। वो बहुत लालची थे। वो हर काम में लालच करते थे। अगर बात खाने पीने की होती तो वो इतने लालची बन जाते कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे को ही धोखा देने की कोशिश करते। पड़ोस में ही एक रानो चिड़िया रहती थी। उसने आज अपनी बेटी गुड़िया की फरमाइश पर मीठी चावल की खीर बनाई थी। मम्मा, गरम गरम खीर खाने का स्वाद नहीं आएगा, क्यों ना हम खीर ठंडी करके खाएं? हाँ गुड़िया, हम सुबह नाश्ते में चावल की ठंडी ठंडी खीर खाएंगे, बहुत मजा आएगा। मगर हमारे पास तो फ्रिज ही नहीं है, हम खीर ठंडी कैसे करेंगे? मम्मा, हम खीर गोरी आंटी की फ्रिज में रख देते हैं और फिर सुबह मैं ले आऊंगी। हाँ ये ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। आप जाओ और खीर गोरी आंटी की फ्रिज में रखाओ। मम्मा आप जाएं, अभी खीर गरम गरम है, मुझसे गिर भी सकती है। चलो मैं ही जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया खीर का भरा हुआ बर्तन लेकर गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी बहन, मैंने खीर बनाई है। गुड़िया कह रही है कि खीर ठंडी करके खाएंगे, क्या आप हमारी खीर अपनी फ्रिज में रख लेंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये फ्रिज तुम अपनी ही समझो, लाओ मैं अभी रख देती हूँ। कालू कौवा अपने घोंसले में सोया हुआ था। खीर की बात सुनकर वो भी उठ जाता है। चिड़िया चिड़िया, जब मैं छोटा था तो मेरी दादी खीर ठंडी करके ही मुझे दिया करती थी, बहुत मजे की लगती है ठंडी ठंडी खीर। अब मैं जाती हूँ, गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर चिड़िया गोरी कौवी की फ्रिज में खीर रखकर घर चली जाती है। गोरी थोड़ी मुझे दो, मैं चेक तो करूं कि खीर में मीठा ठीक है। चुप करके सो जाओ, जिसने खीर बनाई है उसने मीठा भी चेक कर लिया होगा। फिर कालू गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाता है। गोरी भी सोने का नाटक करती है। मम्मा आप सुबह मुझे जल्दी जगा देना, मैं जाकर खीर ले आऊंगी और आप बादाम काट लेना, कल का नाश्ता तो बहुत स्पेशल होने वाला है। अच्छा अब सो जाओ, कहीं सपनों में भी खीर ही ना देखती रहना। फिर गुड़िया सो जाती है और मम्मा चिड़िया भी अपने घोंसले में लेट जाती है। आधी रात को गोरी उठकर बैठ जाती है। कालू तो सो गया है और खीर भी ठंडी होगी होगी, मैं थोड़ी सी खीर खा लेती हूँ, चिड़िया को कौन सा पता चलेगा। ऐसा सोचते हुए गोरी चम्मच लेती है और खीर खाने लगती है। कालू कौवा तो खराटे ले रहा था। गोरी खीर खाकर बर्तन को हिलाकर खीर को सारे बर्तन में बराबर कर देती है। इतनी सी खाने से चिड़िया को तो कुछ पता नहीं चलेगा। फिर गोरी जाकर अपने घोंसले में सो जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे की भी आंख खुल जाती है। वो पास आकर गोरी को देखता है। गोरी सो रही थी। गोरी तो सो रही है, मैं चिड़िया की थोड़ी सी खीर अगर खा लूं तो किसे पता चलेगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा भी फ्रिज खोलकर खीर खाने लगता है। कालू जीभ भर के खीर खाता है और चम्मच रसोई में रखकर सो जाता है। अभी सुबह नहीं हुई थी कि गोरी फिर से जाग जाती है। उसे फिर से भूख लग रही थी, इसलिए वो फिर से फ्रिज खोलती है। अब चम्मच कहाँ गया? मैंने तो रात को खीर खाकर चम्मच फ्रिज में ही रखा था, शायद मैं भूल रही हूँ, मैंने चम्मच रसोई में रख दिया होगा। ऐसे गोरी रसोई से चम्मच लाती है और अभी दो चार चम्मच ही लगाती है तो बर्तन खाली हो जाता है।
ये क्या हुआ, खीर तो खत्म हो गई। गोरी ने अभी फ्रिज बंद नहीं की थी कि कालू जी भी उठ जाते हैं। पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चिड़िया की खीर खा रही हो। कालू जी बहुत बुरा हुआ, मैंने तो अभी थोड़ी ही खीर खाई थी कि बर्तन खाली हो गया, अब मैं चिड़िया से क्या कहूँगी। गोरी थोड़ी सी तुमने खाई और रात को थोड़ी सी मैंने खाई, बर्तन तो खाली होना ही था। क्या कहा, तुमने भी चिड़िया की खीर खाई थी। जब तुमने पहली बार आधी रात को खीर खाई थी तो मैं देख रहा था। गुड़िया गुड़िया बेटी उठो और गोरी आंटी से खीर ले आओ। गुड़िया तो पहली आवाज में ही उठ जाती है और जल्दी से गोरी के घर की तरफ जाती है। गोरी आंटी हमारी खीर दे दें, बहुत भूख लगी है हमें। गुड़िया जाकर मम्मा से कहना कि गोरी आंटी की फ्रिज को बहुत भूख लगी थी, रात को सारी की सारी खीर फ्रिज खा गई है। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। गंदी, बहुत गंदी है गोरी आंटी ये फ्रिज, थोड़ी सी तो रख लेती। ऐसा कहते हुए गुड़िया खाली हाथ ही अपने घर चली जाती है और अपनी मम्मा को जाकर बताती है। उस झूठी और लालची कवि ने खुद खाई है हमारी खीर। गुड़िया बेटी भला फ्रिज भी कुछ खा सकती है, वो तो बेजान होती है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं गरम गरम खीर ही खा लेती। आप चिंता ना करें गुड़िया, इस बार तो मैं उन काले कौवों से बदला जरूर लूंगी। फिर दो दिन बाद चिड़िया गोरी और कालू से कहती है। गोरी बहन आज मौसम भी ठीक है, क्यों ना आज गरम गरम समोसे खाएं। समोसों का तो नाम सुनते ही गोरी और कालू के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ हाँ चिड़िया, हम मिलकर बना लेते हैं समोसे और फिर मिलकर खाएंगे। मगर मेरे पास ना तो आलू है और ना ही मिर्च मसाला, मेरे पास तो केवल नमक है। हम सब ले आते हैं। चिड़िया हमारे घर में समोसे बनाने का सारा सामान है। तो फिर आप सामान ले आओ और मैं बनाऊंगी समोसे। गोरी और कालू घर जाते हैं और सारा सामान लेते हैं। मम्मा आज अच्छा सबक मिलेगा इन काले कौवों को। गोरी और कालू सारा सामान ले आते हैं। गोरी आलू उबाल लेती है और चिड़िया समोसे बनाती है। चिड़िया मैं दो लूंगा, दो। दो क्या, तुम तीन खा लेना। मगर कालू जब तक समोसे ठंडे होते हैं आप और गोरी थोड़ा सा पुदीना ले आए, पुदीने की चटनी के बिना समोसों का क्या मजा। पुदीने का क्या है, हम अभी पुदीना लेकर आते हैं। ऐसे गोरी और कालू पुदीना लेने चले जाते हैं। जब गोरी और कालू चले जाते हैं तो मम्मा चिड़िया गोरी से कहती है। गुड़िया बेटी पुदीने की चटनी कहाँ है। मम्मा ये देखें, मैंने यहाँ छुपा कर रखी हुई है। तो फिर लाओ और शुरू करो। गुड़िया और उसकी मम्मा सारे ही समोसे खा लेती हैं और सो जाती हैं। जब कौवा और कवी पुदीना लेकर आते हैं तो कढ़ाई में समोसे नहीं थे। चिड़िया उठो, उठो चिड़िया, समोसे कहाँ गए, यहाँ तो एक भी समोसा नहीं है। मैं और गुड़िया तो सो गई थी, समोसे कहाँ गए, शायद कढ़ाई नहीं खा लिए होंगे। चिड़िया पागल हो गई हो, क्या कढ़ाई भी समोसे खा सकती है, ये तो बेजान बर्तन है। हाँ कालू, जैसे आपकी फ्रिज को बहुत भूख लगती है ऐसे ही मेरी कढ़ाई को भी जब भूख लगती है तो जो मिलता है सारा ही खा जाती है।
प्यारे दोस्तों, चिड़िया की इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। और ये सब सुनकर कौवा और कौवी सब समझ जाते हैं और शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसे को तैसा। कुकू के पापा, घर की मरम्मत भी हो गई और भोजन भी जमा है, अब तो बरसात के दिन आ भी गए तो हमें कोई चिंता नहीं होगी। आप सारा दिन कितना काम करती हैं, थकती नहीं है आप? आप भी तो भोजन लेकर आते हैं, मैं तो हर रोज यही सोचती हूँ कि न जाने कैसे आप सूखे में भी भोजन की खोज कर लेते हैं। अपने घर परिवार के लिए ये सब करके मुझे बहुत खुशी होती है। मम्मा पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो घर के सारे काम मैं कर लिया करूंगा और अपने मम्मा पापा के लिए भोजन भी मैं ही ढूंढ कर लाया करूंगा। मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, कैसी मीठी मीठी बातें करता है। अच्छा कुकू के पापा, मैं नदी से पानी पीकर आती हूँ, आप कुकू का ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। चिड़िया नदी से पानी पीती है, वो वहाँ से उड़ने ही वाली थी कि पास वाले पेड़ से एक बड़ी शाख टूटती है और सीधी रानो चिड़िया के सर में लग जाती है। खून बहता है और वो छोटी चिड़िया वहीं मर जाती है। पापा, मम्मा कब से गई हुई हैं, अभी तक लौटी नहीं। कोई सहेली मिल गई होगी और गप्पे लगाने लग गई होगी आपकी मम्मा। वो छोटा कुकू ये नहीं जानता था कि उसकी मम्मा तो अब कभी लौट कर नहीं आएगी, वो तो बहुत दूर चली गई हैं। उनके हंसते बजते परिवार में बड़े दुख आने वाले हैं। अरे ये क्या, ये रानो चिड़िया इस बड़ी शाख के नीचे कैसे आ गई, मुझे ये बड़ी शाख हटाना होगी। फिर तोता जोर लगाकर उस बड़ी शाख को हटाता है। रानो चिड़िया, क्या हुआ रानो चिड़िया, आप बोल क्यों नहीं रही है, इसके तो सर में गहरी चोट आई है। कबूतर भी पानी पीने नदी पर आ जाता है। यार कबूतर, रानो चिड़िया इस बड़ी शाख के नीचे दबी हुई थी, मैंने शाख तो हटा दी है परंतु चिड़िया कुछ बोल नहीं रही। तोते भैया, चिड़िया तो मर गई है, देखो तो इसके पंख कैसे सीधे हो गए हैं और आंखें भी बंद हैं। चिड़िया बहुत अच्छी थी, हम सबका बहुत ख्याल रखा करती थी, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हमें चिड़िया के परिवार को बताना होगा। मुझ में तो हौसला नहीं है, कबूतर भैया आप ही जाएं और बताएं, चिड़िया का तो एक छोटा बेटा भी है, कैसे जिएगा वो छोटा बच्चा अपनी मम्मा के बिना। फिर कबूतर चिड़िया के घर बताने चला जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कबूतर भैया, कुकू की मम्मा तो अभी थोड़ी देर पहले नदी से पानी पीने गई थी, वो शाख बड़ी थी, टूटकर सीधी रानो के सर में लगी और खून ज्यादा बहने से वो वहीं मर गई। अंकल कबूतर, मेरी मम्मा की चोट लगी है क्या, खून भी निकला है मेरी मम्मा का क्या? कुकू अभी छोटा था, उसे चोट का तो पता था परंतु वो ये नहीं जानता था कि मर जाना किसे कहते हैं, वो जिंदगी और मौत में फर्क ना जानता था। पापा चिड़िया रो रहा था, जिसे देख कुकू भी रोने लग जाता है। मम्मा के दर्द हो रहा होगा, पापा आप चुप कर जाएं, जब मेरे पंख पर चोट आई थी तब मेरा पंख भी दूसरे रोज ठीक हो गया था, मम्मा भी ठीक हो जाएगी। आकाश, कुकू अभी छोटा है, अगर हो सके तो इसे ये ना बताना कि इसकी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएगी। कबूतर अंकल, आप देख लेना, मम्मा आ जाएंगी, मम्मा तो बड़ी है, उन्होंने कौन सा कोई शरारत की होगी जो पापा मम्मा को डांटेंगे। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कुकू मेरे बच्चे, आपकी मम्मा के चोट ज्यादा लग गई है, वो दवा लेने चली गई है, आपकी मम्मा कल आएंगी। परंतु पापा जी, मुझे तो मम्मा के बिना नींद नहीं आएगी, मैं तो अपनी मम्मा के पंखों में ही सोता हूँ। आप आज मेरे साथ सो जाएं बेटा। आप तो बच्चों की तरह रो रहे हैं, मैंने कहा ना कि चोट ठीक हो जाएगी। फिर ऐसे कुकू अपने पापा के साथ सो जाता है, पापा चिड़िया भी रोते रोते सो जाता है। दूसरे रोज कबूतर तोते से कहता है। जो होना था वो तो हो गया, अब बेहतर यही है कि कुकू का पापा अब दूसरी शादी कर ले, अकेला वो अपने बेटे का कैसे ध्यान रखेगा,
वो दाना लाएगा या घर का ध्यान रखेगा। मैं भी यही सोच रहा था, कुकू तो अभी बहुत छोटा है, हम दोस्त ही रामू चिड़िया के, और अब हमें ही कुछ ना कुछ सोचना होगा उसके परिवार का। मेरी पत्नी की सहेली आई है आज एक चिड़िया दूसरे जंगल से, वो बहुत सुंदर भी है और बुद्धिमान भी, अगर आकाश मान जाए तो हम उन दोनों की शादी कर देते हैं। वो चिड़िया मान जाएगी? वो इस जंगल में शादी करने ही आई है। तो फिर चलो हम बात करते हैं जाकर। फिर कबूतर और तोता कुकू के पापा से बात करने चले जाते हैं। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, कुकू कभी भी उसे अपनी माँ नहीं मानेगा। ये अभी छोटा है, जो करना है हम बड़ों को ही करना है, ये भी समय के साथ साथ सब समझ जाएगा। ऐसे पापा चिड़िया मान जाता है। कबूतर और तोता पापा चिड़िया की शादी उस चिड़िया से कर देते हैं। सुनो मेरी सहेली, उस छोटे बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही रखना, वो छोटा है, अगर कोई भूल भी हो जाए तो प्यार से समझाना उसे। मैं भोजन ले आया करूँगा और आप घर और कुकू का ध्यान रखा करना। मैं सब संभालूंगी, आप चिंता ना करें। कुकू का पापा उस चिड़िया को साथ लेकर अपने घर जाता है। पापा ये कौन है? इनका नाम सोनू है और कुकू बेटा ये आपकी दोस्त हैं। इन्हें आपकी मम्मा ने भेजा है। परंतु पापा, मम्मा की चोट कब ठीक होगी? मम्मा कब लौट कर आएंगी? मेरा मम्मा के बिना मन नहीं लगता। आपकी मम्मा भी जल्द लौट कर आ जाएंगी। बेटा आजा मेरे साथ सो जाना, मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगी। मम्मा भी मुझे कहानी सुनाया करती थी। पापा मम्मा के अब दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं बेटा, आपकी मम्मा के तो अब जरा भी दर्द नहीं हो रहा। पापा मुझे पानी पीना है। मैं ले जाती हूँ अपने कुकू को अपने साथ नदी से पानी पीने। कुकू को अभी कुछ नहीं पता और आप भी ना बताना। मुझे पता है, कुकू अभी छोटा है। फिर कुकू की नई मम्मा कुकू को साथ लेकर नदी से पानी पीने चली जाती हैं। नदी पर गोरी कौवी और कालू कौवा भी बैठे हुए थे। चार दिन गुजरे नहीं, रानो को मरे और दूसरी शादी भी कर ली। वाह, कैसे कैसे पक्षी रहते हैं इस जंगल में। आप कौन हैं और छोटे बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हैं? हम तो बातें कर रहे हैं और तुम घर पर कब्जा करने ही आ गई। कुकू, अब तुम्हारी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएगी, वो तो मर गई है। आप चुप कर जाएं। गौरी आंटी, आप बताएं मुझे, मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे तो पापा बोल रहे थे कि मम्मा के चोट आई है और मम्मा दवा लेने गई हुई है। सब झूठ, तुम्हारी मम्मा अब मर गई है और तुम्हारे पापा ने इस चिड़िया से दूसरी शादी कर ली है। ऐसा कहते हुए गौरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। आप सब ने मुझसे झूठ बोला। पापा कहते हैं झूठ बोलना ठीक नहीं, झूठ कभी नहीं बोलते। क्या ये बड़े झूठ बोल लेते हैं? मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं, प्लीज। मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, मैं अपनी मम्मा के पास जाऊंगा। कुकू मेरी जान, मैं आपको आपकी मम्मा की तरह ही प्यार करूंगी और वो सब दूंगी जो आपकी मम्मा आपको देती थी। आप झूठी हो, पापा भी झूठा है। गौरी तो उस छोटे बच्चे की आशा तोड़कर चली गई थी। जब तक उसे ये आशा थी कि उसकी मम्मा लौट आएगी, वो अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा था। परंतु अब तो वो उसे बता गई थी कि उसकी मम्मा अब कभी नहीं लौटेगी। चलो बेटा अब घर चलें, आपके पापा इंतजार कर रहे होंगे आपका। फिर कुकू रोता हुआ अपनी नई मम्मा के साथ घर चला जाता है। कुकू बेटा, आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? आप झूठे हो, आपने झूठ बोला। सोनो, कुकू को क्या हुआ है, ये क्यों रोए जा रहा है? नदी पर एक कौवा और कौवे मिले थे, उन्होंने कुकू को सब बता दिया है कि अब कुकू की मम्मा मर गई हैं और वो कभी लौट कर नहीं आएंगी। मुझे नहीं सोना आपके साथ, मैं अकेला ही सो जाऊंगा। और मुझे गौरी आंटी ने ये भी बताया है कि आपने इस आंटी से दूसरी शादी कर ली है। कुकू मेरे बच्चे, जो आपको उस आंटी ने बताया सब सच है। आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे अब आप रो रहे हो, आपके पापा आपको रोता नहीं देख सकते थे, इसीलिए आपसे सब छुपाया। सब गंदे हैं, मुझे नहीं बात करना किसी से। छोटा बच्चा ऐसे ही रोते रोते सो जाता है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी सो जाते हैं।
कुकू, मेरे बच्चे, क्या आप अपने पापा को दुखी देखना चाहते हो? ऐसा ना करो मेरे बेटे, मैं बहुत दूर चली गई हूँ, मैं अब कभी लौट कर नहीं आऊँगी, और आपकी नई मम्मा को मैंने ही भेजा है। आप अपनी नई मम्मा से प्यार करें, ऐसे ही जैसे मुझसे किया करते थे। आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप अपनी मम्मा को खुश देखना चाहते हो तो अपनी नई मम्मा और पापा से गुस्सा ना होना। फिर कुकू अपनी आंखें खोलता है। मम्मा, मम्मा आप कहाँ हैं? मैं आपको हमेशा खुश रखूँगा। सोनो चिड़िया कुकू को अपने पंखों में छुपा लेती है। कुकू मेरे बच्चे, क्या कोई सपना देखा है? नहीं पापा, मम्मा मुझसे मिलने आई थी। पापा मुझे माफ कर दें, मैं आपसे अब कभी गुस्सा नहीं होऊंगा, और मम्मा आप ही अब मेरी मम्मा हैं। फिर वो सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते।